हे दोस्तों, अगेन वेलकम टू द चैनल बीइंग परसिस्टेंट। लॉ ऑफ सप्लाई जो है वो आज का टॉपिक रहेगा, क्योंकि इसके पहले गारंटेड क्वेश्चन की सीरीज़ हम जो ले रहे थे तो उसमें लॉ ऑफ डिमांड लिया था हमने, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लिया था। तो ये जो सारे क्वेश्चंस है ये एग्ज़ाम में आने ही वाले हैं, तो इसके बारे में जो भी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है वो आपको इस वीडियो से मिल जाएगी। बट अगर इसी तरह से अगले वीडियो अगर आपको चाहिए हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो शुरुआत करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है, लॉ ऑफ सप्लाई। ओके, सो व्हाट इज़ मीन बाय लॉ ऑफ सप्लाई? तो बेसिकली हमने लॉ ऑफ डिमांड में अपोजिट रिलेशन देखा था प्राइस एंड डिमांड का। इसका मतलब क्या कि जब प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम होती है, बट सप्लाई में क्या है, डायरेक्ट मतलब पॉजिटिव रिलेशन है। किसमें? सप्लाई में एंड प्राइस में। जब भी प्राइस बढ़ेगी तब सप्लाई ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, मतलब सप्लाई एनालिसिस जो है वो प्रोड्यूसर के एंगल से देखा जाता है, प्रोड्यूसर के पर्सपेक्टिव से ये जो लॉ है ये दिखाया गया है। बट जो लॉ ऑफ डिमांड था तो वो कस्टमर के पर्सपेक्टिव से था, तो इसलिए जब भी प्राइस बढ़ती थी तो कस्टमर लेस डिमांड करते थे। बट यहाँ पे क्या है कि जब भी प्राइस बढ़ रही है तो प्रोड्यूसर जो है वो ज़्यादा बेच रहा है, क्योंकि उसको प्रॉफिट होने वाला है इसलिए। तो देखते हैं अभी कि एग्जैक्टली सप्लाई होता क्या है। तो हम देखते हैं कि जब भी प्रोड्यूसर जो है कोई क्वांटिटी प्रोड्यूस करता है किसी भी प्रोडक्ट की, तो उस क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन को टोटल आउटपुट। मतलब उसने चाहे कार हो, चाहे मशीनरी हो, चाहे कुछ बॉटल्स हो, चाहे नोटबुक्स हो, कोई भी हो, तो उसने जो भी प्रोड्यूस किया है तो उसकी जो क्वांटिटी उसने प्रोड्यूस की है उसको हम बोलते हैं टोटल आउटपुट। ठीक है, उसने अपनी एनर्जी, ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंशियल रिसोर्स यूज़ करके जो भी प्रोड्यूस किया है उसके लिए। बट उसमें से जो सप्लाई होगा, मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5000 यूनिट उसने क्या किए, प्रोड्यूस किए किसी भी चीज़ के, ओके सपोज नोटबुक्स के, तो उसमें से इसको हम क्या बोलेंगे, टोटल आउटपुट बोलेंगे। अभी इसमें से उसने 3000 जो है तो वो क्या किए, सप्लाई किए, तो इसको हम सप्लाई बोलेंगे। ओके, मतलब एक्चुअल में उतना मार्केट में क्वांटिटी या आउटपुट जो है वो चला गया है फॉर द पर्पज ऑफ सेल। और इसमें से जो बचा 2000, तो ये कहलाएगा स्टॉक, मतलब अभी इसका जो है वो सेल हुआ नहीं है अभी तक। ठीक है, आई होप आपको टोटल आउटपुट, स्टॉक एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ गया होगा। तो देखिए, अभी सप्लाई शेड्यूल, जैसे हमने डिमांड शेड्यूल देखा था, यहाँ पे भी सप्लाई शेड्यूल दिया गया है कि जैसे 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 प्राइस बढ़ेगी उस तरह से कमोडिटी जो है उसका सप्लाई भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो उस तरह से यहाँ पे जो डायग्राम है वहाँ पे अपवर्ड कर्व आपको नज़र आएगा। जैसे डिमांड में डाउनवर्ड कर्व स्लोप था, डीडी जो था वो डाउनवर्ड था, यहाँ पे एसएस मतलब सप्लाई कर्व जो है वो अपवर्ड रहेगा, बिकॉज देर इज़ अ डायरेक्ट और पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई। ओके, तो इसी ये जो है ये इंडिविजुअल कर्व है, एंड ये यहाँ पे जो दिख रहा है ये मार्केट शेड्यूल है, मतलब इंडिविजुअल जो प्रोड्यूसर होगा तो उसके लिए इस तरह से डायग्राम निकाली जाएगी। एंड जो मार्केट शेड्यूल होगा, मतलब मार्केट में अलग अलग प्रोड्यूसर्स होते हैं, उनके अलग अलग प्रोडक्ट की प्राइसेस के हिसाब से वो अलग अलग क्वांटिटी में सप्लाई करते हैं। जैसे कि यहाँ पे 10, 20, 30 ये प्राइस दी है, यहाँ पे 10 जो प्राइस है उस पर ए सेलर ने कितना क्वांटिटी बेचा है 100, बी सेलर ने कितना 200, सी सेलर ने 300, एंड टोटल जो मार्केट सप्लाई है वो कितना हुआ प्राइस 10 के लिए, तो 600 क्वांटिटी जो है वो 600 केजीज में, मतलब किलोग्राम जो भी यूनिट ऑफ मेजर होगा उसमें वो क्वांटिटी सप्लाई की जाएगी। तो आई होप आपको यहाँ तक जो है कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसी को आपको एक्सप्लेन करना है, पहले आप शेड्यूल को एक्सप्लेन करोगे कि जैसे जब 10 प्राइस थी तो वहाँ पे क्वांटिटी क्या थी, फिर प्राइस जब जब बढ़ने लगी तो क्वांटिटी या सप्लाई किस तरह से बढ़ने लगा, एंड एट द एंड वो कितना हुआ, ये सारा आपको बताना होगा। एंड जो डायग्राम है शेड्यूल के बेसिस पे, तो वो भी आपको एक्सप्लेन करनी होगी कि एक्सिस पे आपने क्या दिया है, क्वांटिटी दी है, और वाई एक्सिस पे प्राइस दिया है, उसका कर्व किस तरह का है, डायरेक्ट है, पॉजिटिव है, या किस तरह का। तो इस तरह से आपको क्लियरली अपने एक्सप्लेनेशन में, मतलब डायग्राम का एंड शेड्यूल का जो एक्सप्लेनेशन है उसमें बताना होगा। उसी तरह से मार्केट शेड्यूल का भी आप बता सकते हो वहाँ पे। अभी यहाँ पे देखिए कि सप्लाई जो है वो किस पे डिपेंड रहता है, या उसको डिफाइन करने वाले क्या क्या डिटर्मिनेंट्स है या कंपोनेंट्स है। तो सबसे पहला है प्राइस। प्राइस जैसे जैसे बढ़ेगी उस तरह से सप्लाई क्या होगा, बढ़ेगा, मतलब प्रोड्यूसर उसको ज़्यादा सेल करना चाहेगा, सप्लाई करना चाहेगा मार्केट में, क्योंकि ही इज़ गेनिंग द मोर एंड मोर प्रॉफिट एट द हायर प्राइस। नेक्स्ट,
स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी जितनी ज़्यादा इम्प्रूव होगी उतना ज़्यादा क्या होगा, प्रोडक्ट की क्वालिटी ज़्यादा होगी, एंड क्वालिटी ज़्यादा होने की वजह से उसकी अल्टीमेटली प्राइस भी बढ़ेगी, एंड प्राइस बढ़ी तो सप्लाई भी बढ़ने वाला है। नेक्स्ट इज़ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अगर कॉस्ट ज़्यादा आया हो उस प्रोड्यूसर को तो वो उस जो भी कॉस्ट आया है वो अपने प्रॉफिट में निकालना चाहेगा, तो वो ऐड करेगा उस कॉस्ट की वैल्यू अपने प्रोडक्ट में, तो अल्टीमेटली उस प्रोडक्ट की प्राइस भी बढ़ेगी एंड उस तरह से सप्लाई भी बढ़ेगा एंड वो अपना प्रॉफिट जो है वो रिकवर कर पाएगा। नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़, इसका मतलब क्या कि कम्युनिकेशन हो, चाहे ट्रांसपोर्ट हो, चाहे एनर्जी हो, इलेक्ट्रिसिटी, पावर, वाटर, ये सारी चीज़ें जो है वो इनफ जो है फॉर्म में अवेलेबल अगर हो तो क्या होगा कि इजीली चीज़ें हो जाएंगी, मतलब जो प्रोडक्शन है वो कम समय में क्या होगा, हो पाएगा, तो इस वजह से क्या होगा प्रोडक्शन प्रोसेस जो है वो जल्दी से हो पाएगा, वो साइकिल जो है वो उसको टाइम नहीं लगेगा ज़्यादा, तो वो जो है कस्टमर्स के पास भी वो जो सप्लाई है या होलसेलर्स रिटेलर्स रहते हैं तो उनके पास सामान जल्दी से जल्दी पहुंच जाएगा और वो अगर सेटिस्फाइड होंगे तो वो ज़्यादा प्राइस भी दे देंगे प्रोड्यूसर को उस पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी की। उसके बाद है गवर्नमेंट पॉलिसीज़, अगर पॉलिसीज जो है वो प्रोड्यूसर के फेवर में अगर हो इंस्टेड ऑफ कस्टमर के फेवर में तो इसकी वजह से क्या हो सकता है कि जैसे टैक्सेशन पॉलिसी, अगर टैक्स जो है वो ज़्यादा चार्ज किया है अगर गवर्नमेंट ने तो टैक्स ज़्यादा चार्ज करना यानी कि क्या कि सप्लायर को ज़्यादा मिलेगा, प्रोड्यूसर को ज़्यादा प्राइस मिलेगी उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, यानी कि कस्टमर का थोड़ा बहुत यहाँ पे नुकसान हो सकता है क्योंकि उनको ज़्यादा प्राइस पे करनी पड़ रही है। तो अगर प्रोड्यूसर के फेवर में गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हो तो सप्लाई ऑब्वियसली ज़्यादा होने वाला है, सब्सिडीज़ हो चाहे इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ में इनकरेज और डिस्करेज प्रोडक्शन और सप्लाई, ओके, सो इस पे भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट चलते हैं नेचुरल कंडीशन, अगर नेचुरल कंडीशन फेवरेबल है जैसे कि जो प्रोडक्शन के लिए किसी भी प्रोडक्ट के प्रोडक्शन के लिए जो भी चीज़ें नेसेसरी होती है तो वो क्लाइमेट से उससे मिल रही है, ठीक है, जिस तरह का क्लाइमेट होना चाहिए तो वो जो अगर अच्छा हो, मतलब देखो जैसे कि आसाम में टी अगर प्रोड्यूस करनी हो, चाय प्रोड्यूस करनी हो तो उसके लिए जो जो चीज़ें चाहिए, पर्टिकुलर सॉइल चाहिए, उसकी फर्टिलिटी अच्छी होनी चाहिए, बारिश होनी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें और बारिश कितने क्वांटिटी में होनी चाहिए ये भी मैटर करता है, तो ये अगर फेवरेबल हो तो ही वो टी क्या हो सकती है अच्छी तरीके से प्रोड्यूस हो सकती है, अदरवाइज़ उस ईयर का उस टी का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा अच्छी तरीके से एंड उस वजह से सप्लाई पर भी उसका इफेक्ट पड़ेगा, सो नेचुरल कंडीशन अल्टीमेटली मैटर करती है। नेक्स्ट है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस, किस तरह से प्राइसेस अफेक्ट करती है, इफ़ प्राइसेस आर एक्सपेक्टेड टू राइज इन फ्यूचर, मतलब प्राइसेस अगर बढ़ने वाली है ऐसा आपको लगेगा सप्लायर को तो प्रोड्यूसर में विथहोल्ड द स्टॉक, वो क्या करेगा अभी नहीं बेचेगा, क्यों, क्योंकि प्राइसेस अगर फ्यूचर में बढ़ने वाली है तो मैं अभी लेस प्राइस पे क्यों बेचूं जिसकी वजह से मुझे लॉस हो सकता है, तो मैं बेटर है कि मैं थोड़ा रुकूं और फ्यूचर में बेचूं जिसकी वजह से मुझे हाई प्राइस पे प्रॉफिट मिल सकता है, ओके। नेक्स्ट है अदर फैक्टर्स, अभी कौन से फैक्टर्स बचे हैं, तो नेचर ऑफ द मार्केट, मार्केट कैसा है, मतलब उस वहाँ की पॉपुलेशन क्या है, जैसे कि मैकडी या फिर इंडिया या चाइना, US, इन जैसे जो देश है वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है तो यहाँ का मार्केट भी अल्टीमेटली ज़्यादा है हर एक कंपनी के लिए अपना प्रोडक्ट जो है मार्केट करने के लिए, जो जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है वो कंट्री को क्या करते हैं वो टारगेट करते हैं, वहाँ का जो कल्चर है वो जान लेते हैं, वहाँ के लोग किस तरह का खाना पसंद करते हैं, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन, या वहाँ की ट्रेडिशन क्या है, जैसे साड़ी हो, चाहे ट्रेडिशनल जो हमारे फेस्टिवल्स हो तो उनके लिए कौन सी चीज़ें, या क्लोथ जो है वो किस तरह के पहनते हैं, तो इसलिए मार्केट का नेचर पता होना ज़रूरी होता है। रिलेटिव प्राइसेस ऑफ अदर गुड्स, तो देखिए अगर इंडिया जो कंट्री है तो वहाँ पे मोस्ट ऑफ द पीपल जो है वो वेजिटेरियन है, तो वहाँ पे मैकडी ने क्या किया था, पहले जो उनका बर्गर था तो वो नॉन वेज का था, बट उसके बाद जब उनको पता चला इस इंडिया के मार्केट कल्चर के बारे में और लोगों के लाइक्स एंड डिसलाइक्स के बारे में, तो उन्होंने आलू टिक्की का जो है वो उन्होंने इनोवेट किया, तो इस तरह से उन्होंने वहाँ का भी, मतलब पूरा इंडिया का जो वेजिटेरियन ग्रुप था उनको भी उन्होंने कैप्चर कर लिया। तो ये होता है कि नेचर ऑफ मार्केट पता होने की वजह से उनका जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे सप्लाई हो सकता है। रिलेटिव प्राइसेस ऑफ अदर गुड्स, मतलब अदर गुड्स की क्या क्या प्राइस, जैसे चाय एंड कॉफ़ी, अगर कॉफ़ी पीने का जो ग्रुप है या क्लास है वो ज़्यादा हो बट कॉफ़ी की जो प्राइसेस है तो वो बढ़ रही है अचानक से या फिर कम रही है, तो उसके हिसाब से भी तो डिमांड या फिर सप्लाई जो है चाय का तो उसके ऊपर इफेक्ट पड़ सकता है। एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, यस, कौन सी चीज़ें एक्सपोर्ट करनी है, कौन सी चीज़ें इम्पोर्ट करनी है,
ये भी डिपेंड मतलब इस पर भी सप्लाई जो है वो डिपेंड करता है, किसी कंट्री, कोई कंट्री ज़्यादा एक्सपोर्ट करती है कम इम्पोर्ट करती है, कोई कंट्री ज़्यादा इम्पोर्ट करती है या कम एक्सपोर्ट करती है, तो इसके हिसाब से सप्लाई पे वो असर पड़ता है। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल रिलेशन। अगर इंडस्ट्रियल रिलेशन अच्छे हो, मतलब सप्लायर्स होते हैं अलग अलग कंपनीज होती है, तो उनके रिलेशन अगर अच्छे हो तो क्या हो सकता है कि सप्लाई ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सकता है, बढ़ने में मदद होती है, गुडविल क्रिएट होता है, तो उसकी वजह से अल्टीमेटली मार्केट में भी उस पर्टिकुलर प्रोड्यूसर या सप्लायर की इमेज जो है वो बढ़ जाती है, तो सप्लायर को अल्टीमेटली प्रॉफिट में भी उसका फ़ायदा हो सकता है। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के जो जो फैक्टर्स है जैसे लैंड, लेबर, मशीनरी, इक्विपमेंट्स, फाइनेंस, ये सारी चीज़ें अगर जल्दी से जल्दी अवेलेबल हो जाए तो उसका जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कंप्लीट हो पाएगा एंड वो सप्लाई भी जल्दी से जल्दी कर पाएगा। सो ये सारी चीज़ें जो है वो फेवरेबल कंडीशन में अगर अवेलेबल हो तो जो सप्लाई है या फिर जो प्रोड्यूसर है वो कम समय में ज़्यादा चीज़ें जो है वो प्रोड्यूस कर पाएगा, सप्लाई कर पाएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाएगा एंड सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर पाएगा। तो आई होप आपको आज का जो हमारा टॉपिक था ये एक्सप्लेनेशन था जस्ट कि लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है बेसिक। नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एग्जैक्टली लॉ ऑफ सप्लाई क्या है एंड उसके नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं कि लॉ ऑफ सप्लाई क्या है, उसके एजम्पशंस क्या है, एक्सेप्शंस क्या है, तो इसके बारे में हम डिटेल में अगले वीडियो में देखने वाले हैं। पर उसके लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो ज़रूर कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इसको शेयर कीजिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।